हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड में आप सभीओं को स्वागत है। आज मैं दिखाऊंगा एक फिलिप्स का एलईडी, उसमें वो स्टैंड बाय मोड पर है, उसका पावर लाइट आ रहा है, आगे ऑन नहीं हो रहा है, ये ऑन नहीं होता है, तो उसको कैसे ठीक करना है, उसका कहां पर प्रॉब्लम है, तो आज लाइव प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी उसका बैक कवर निकालेंगे, उससे पहले देख लेंगे उसका मॉडल नंबर। उसका मॉडल नंबर है 20PFL3439/V7। तो उसका बैक कवर निकाल के देखेंगे उसका मॉडल। ये है उसका मदरबोर्ड, तो उसका सबसे पहले उसका जो सारे सप्लाई चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे प्रॉब्लम कहाँ पर है। सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, ये आउटपुट वोल्टेज 20.6 आ रहा है। उसके बाद चेक करेंगे जो मदरबोर्ड का और जो बाकी वोल्टेजेस, सब स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कहाँ पर कितना बनता है और कहाँ पर प्रॉब्लम है। सबसे पहले चेक करेंगे ये जो प्रोग्राम आईसी है, उसी बोर्ड का ये प्रोग्राम आईसी, मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन, प्रोग्राम आईसी का 8 नंबर पिन पर वोल्टेज चेक करेंगे। 8 नंबर पिन पर 1.63 आ रहा है, लेकिन वहां पर 3.3 जरूरत है। उसके बाद चेक करेंगे 1.8 जो राम सप्लाई है, वहां भी लिखा है 2.5 वोल्ट, 1.8 ये भी लिखा है 1.8, ये 1.8 नहीं आ रहा है, 0.91 आ रहा है। उसके बाद उसका जो कोर सप्लाई 1.2 ये सही आ रहा है, 1.3 ये सही आ रहा है, और वहां पर 3.3 ये भी नहीं आ रहा है, तो मिसिंग है जो 3.3 मिसिंग है। ये जो 3.3 प्रोग्राम है इसको आता है इसी रेगुलेटर के थ्रू रेगुलेटिंग होके, इसी आइस को 3.3 आता है। इसी रेगुलेटर का इनपुट है 5 वोल्ट, वहां पर भी लिखा है इनपुट 5 वोल्ट और 3.3 आउट, वहां भी लिखा है। तो उसी रेगुलेटर को इनपुट होता है 2.5 वोल्ट, मतलब वहां पर 5 वोल्ट के जगह पर 2.6 आ रहा है। ये जो 5 वोल्ट इसी रेगुलेटर से आता है, दिखाता हूं, ये जो रेगुलेटर है ये रेगुलेटिंग सेक्शन है। ये रेगुलेटिंग सेक्शन का काम है जो पावर सप्लाई जितना वोल्ट निकलेगा, मतलब ये 20 वोल्ट निकलता है, ये 20 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करेगा। वहां भी लिखा है 24 इन और 5 वोल्ट आउट, वो भी लिख दिया कंपनी का बोर्ड में। तो उसका इनपुट पहले चेक करेंगे, इनपुट है उसका, इसका इनपुट होता है 20 वोल्ट, बट उसका आउटपुट 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, 2.6 आ रहा है। तो मैंने सब चेक कर दिया, मेरे को जितना लगता है ये आईसी खराब है। अभी ये आईसी चेंज करके देखेंगे, ये आईसी का नंबर है MP1584EN, अभी चेंज करेंगे उसको। तो नया आईसी है ये, नया लगाएंगे। अभी मैंने ये आईसी नया लगा दिया, ये आईसी अभी वोल्टेज आउटपुट कितना आता है 2.6 तो पहले आ रहा था, तो अभी 5 वोल्ट सही तरह से आ गया, और बाकी जो प्रोग्राम आईसी का वोल्टेज 1.6 था, अभी ये 3.3 बन गया, वहां पर भी 3.3। तो अभी चेक करेंगे ऑन करके सेट को, ऑन कर रहा हूँ, ऑन तो हो गया।
क्लोज हो गया, ठीक है।